नमस्कार। यूपीपीसीएस प्री 2018 का एक प्रश्न की वैश्विक शांति सूचकांक 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तब इसका सही जवाब था ऑप्शन ए 136वां। परंतु यह सूचकांक प्रतिवर्ष 2007 से ही जारी किया जा रहा है, तो अब प्रश्न नवीनतम सूचकांक से ही पूछा जाएगा, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 से। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं तथा जहां क्रिसमस का त्यौहार गर्मी के मौसम में मनाया जाता है, यह ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यहां एक शहर है सिडनी। सिडनी शहर में एक संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, जो आज वैश्विक शांति को आंकड़ों एवं संख्याओं के माध्यम से नए मायनों में परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। विश्व बैंक, रोटरी इंटरनेशनल और UNDP जैसी अनेक वैश्विक संस्थाओं के साथ मिलकर IEP सन 2007 से अपनी स्थापना के बाद से ही प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट जारी करती है। एनुअल रिपोर्ट 2020 ऐसी 14वीं रिपोर्ट है जिसमें 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक का डेटा शामिल है। कुल 23 प्रकार के गुणात्मक एवं मात्रात्मक सूचकों के आधार पर इस बार IEP ने 163 देशों को रैंकिंग दी है। NRC CAA बिल आने के बाद देश भर में हुए प्रदर्शनों के बावजूद रक्षा क्षेत्र में बजट की कटौती के चलते भारत की रैंकिंग में 2 स्थानों का सुधार हुआ है। 2019 की भांति एक बार फिर आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है, जिसके बाद क्रमशः न्यूजीलैंड और पुर्तगाल का स्थान है। टॉप 20 देशों में भूटान ही है जो 19वें रैंक पर है और साउथ एशिया का एकमात्र देश है। भारत नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे 139वें स्थान पर है। पाकिस्तान 152वें स्थान पर तथा अफगानिस्तान सबसे नीचे 163वें स्थान पर है। विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। धन्यवाद।